नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेन टेक्स। और यार आज मैं पहले ही बता देता हूँ क्योंकि लास्ट तक तो कोई देखने वाला था यार नहीं। ओके, बेइज्जती को साइड पे रखते हैं, लेकिन आज मैं बता जा रहा हूँ कि ये वीडियो एक्चुअली में बनने वाली नहीं थी और मैं कुछ अलग प्लानिंग कर रहा था, लेकिन ये वीडियो मुझे बनानी पड़ी क्योंकि रेलवे ने कुछ ऐसे अपने ट्रिक्स ऐसे कुछ नई योजना निकाले, तो मुझे आप लोगों को मुझे इससे इंट्रोड्यूस कराना ही होगा। तो और ये वीडियो आज आप देखिए, और सबसे पहले मैं ये अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि ये वीडियो इस साल की, मैं कहता हूँ कि अगले इस साल की लास्ट वीडियो आएगी, मतलब ये 2020 की लास्ट वीडियो है। रीजन बिकॉज ऑफ वी हैव अ बोर्ड्स एग्जाम इन अर्लियर 21, सो वी हैव डिसाइडेड टू टेक जस्ट अ शॉर्ट ब्रेक फॉर यूट्यूब। सो अब से जो भी हो हम इस चैनल पे कुछ नहीं आएगा। सो ये इस साल की लास्ट वीडियो है, सो प्लीज इसको देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस चीज को ज्यादा से ज्यादा। सो लेट्स बिगिन। देखिए अब मैं बता दूं कि लॉकडाउन जो हमारे कोरोना के वजह से, इसी वजह से बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है जिसे हम कह रहे हैं माइक्रो इंडस्ट्री या फिर मीडियम बजट इंडस्ट्री, तो ये इंडस्ट्री पर कोरोना के वजह से जो लॉकडाउन लगाया गया है हमारी सरकार हमारे इंडिया में, तो उसके वजह से बहुत खराब इफेक्ट आई है। जैसे कि कुछ कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जैसे कि बंद हो गई, और कुछ इंडस्ट्रियाँ ऐसी है कि जिनके जो CEO भी कह सके उनके कुछ अलग ही धंधा करना पड़ता है। जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि सूरत जाना जाता है अपने कपड़े के लिए, उसकी टेक्सटाइल मार्केटिंग के लिए, ड्यू टू दिस लॉकडाउन क्या हो गया कि टेक्सटाइल मार्केट ठप हो गए 8 महीने के लिए। सो मैंने पेपर आउट किया है, बहुत कुछ पढ़ा भी है कि सूरत के बड़े बड़े कंपनी के मालिक भी आजकल वो सब्जी बेच रहे हैं या फिर कोई मास्क बेच रहा है या फिर कपड़े बेच रहा है। तो कोरोना के लॉकडाउन की वजह से हमारे यहाँ पे बहुत खराब इफेक्ट आई है। तो रेलवे क्या चाहता है कि लॉकडाउन में जो प्रॉब्लम्स आई है इन माइक्रो या फिक्स इंडस्ट्री को, तो उनको कुछ उभारा जाए, इनको इकोनॉमिकली स्टेबली किया जाए। तो पैसे नहीं देने वाली है रेलवे, पहले ही जान लो, तो पैसे नहीं देने वाली रेलवे। लेकिन उन्होंने रेलवे से स्टार्ट की है व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन। जी हाँ, जानिए क्या है व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन। तो रेलवे ने स्टार्ट की है व्यापार माला एक्सप्रेस। ये है क्या, ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं है। सबसे पहली बात आपको ये कहना मेरे सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये कोई पैसेंजर ट्रेन ही नहीं है, ये चलाई जाएगी एज अ पार्सल ट्रेन है, बट उस ट्रेन का नाम जाएगा व्यापार माला एक्सप्रेस। ओके, चलने की जरूरत क्या पड़ी, पहले मैं इसकी इंट्रोडक्टरी स्पीच में बोल गया था कि हमारे जो माइक्रो इंडस्ट्री है वो इस कोरोना के लॉकडाउन की वजह से खतरे में आ गई थी, तो इस खतरे से उनको रिवाइव करने के लिए रेलवे चाहता है कि उनको थोड़ा स्पॉन्सरशिप मिले। तो उन्होंने क्या किया कि ये व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन स्टार्ट की है। ये ट्रेन और पार्सल ट्रेन में फर्क क्या आएगा, पार्सल ट्रेनें अपने नियत किए गए भाड़े पर चलेगी, मीन्स के उसका जो भाड़ा नक्की किया गया है पर केजी पर आपको कितना पे करना होगा टू रेलवे, उससे उसको राहत दी जाएगी। मतलब आपको पता है तो एक सर्टिफिकेट आता है कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी टाइप है, जैसे कि यू हैव अ हैवी इंडस्ट्री या लाइट इंडस्ट्री या माइक्रो इंडस्ट्री, तो वो सर्टिफिकेट आपको जब आपकी बुकिंग हो जाएगी उसकी पार्सल की, तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। तो वो सर्टिफिकेट देने के बाद आपको क्या देगा, आपको एक डिस्काउंट दिया जाएगा रेलवे की तरफ से जो तय किया गया है, और वो ट्रेन चलेगी व्यापार माला एक्सप्रेस। रेलवे ने एक्चुअली में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया है, तो व्यापार माला एक्सप्रेस सबसे पहली ट्रेन चली थी दिल्ली के किशनगंज से त्रिपुरा के जोरुइया तक। तो ये ट्रेन अब चलाई जाए, तो धीमे धीमे सारी ट्रेनें चल रही है। देखिए मुझे पता है कि धीमे धीमे रेलवे ट्रेनों को पटरी पे लाना चाहता है, पटरी पर ही चलती है ना ट्रेनें, बैठ जो जोक्स अपार्ट, लेकिन रेलवे धीमे धीमे अब रेलवे को स्टेबल करना चाहते हैं, मतलब जैसे वो उसकी नेटवर्किंग होती थी पहले जैसी, वो धीमे धीमे अब वो नेटवर्किंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो इसलिए वो ट्राई कर रहा है कि धीमे धीमे ट्रेनों को स्टार्ट की जाए, पैसेंजर ट्रेनों की सर्विस भी बढ़ाती की जाए। तो धीमे धीमे पैसेंजर सर्विसेज भी चल रही है, तो आप प्लीज अब थोड़ा वेट रखिए क्योंकि ये कोरोना की महामारी कुछ ऐसी है कि सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूँ चल सकती है, और चल वो कोरोना धीमे धीमे है क्या हमारा ही पार्ट बनने वाला है, तो उसको एक्सेप्ट करके चलना होगा, लेकिन उससे सावधान होकर भी चलना होगा क्योंकि अभी तक हमारे पास उसका तोड़ नहीं मिला है। तो फिर से एक बार मैं फिर क्यों दोहरा दूं कि क्यों व्यापार माला चलाई गई है ड्यू टू दिस लॉकडाउन, तो माइक्रो इंडस्ट्रियों को थोड़ी स्टेबिलाइजेशन मिले, इसीलिए इस ट्रेनों को चलाया गया है। तो आप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।
एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल यू के हमें इतना सपोर्ट देने के लिए। और आपको आपको फिर ये एक और फेवर चाहिए कि आप प्लीज़, अब हम 6-7 महीने तक वीडियोस नहीं डाल रहे हैं, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक दिस चैनल। एंड यस, हमारी जो सारी चैनल्स चल रही है, जैसे मैं कहता हूँ यो-यो की वॉइस चल रही है, वो भी हम स्टॉप करने वाले हैं ड्यू टू आवर बोर्ड एग्जाम। लेकिन एक वादा मैं आपसे करता हूँ कि जब भी ये चैनल्स एग्जाम्स हमारे हो जाए, ये क्लियर हो जाए कि सब कुछ, जब मैं एग्जाम फर्स्ट मेरी खत्म होने वाली है, बाद में यश की खत्म होगी, तो मैं जैसे मैं अपना कंटेंट डालना स्टार्ट कर दूँगा। मैं बहुत इज्जत से कहता हूँ कि इस लॉकडाउन के ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोज बना के रखे थे और सोच भी रखे थे, लेकिन शूट नहीं किया ड्यू टू अवर एग्जाम्स एंड वट एवर। तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमें सपोर्ट करेंगे, आज अब तक जो दिया है उसके लिए आप बिग थैंक यू, और आप भी करते रहेंगे। तो थैंक यू ऑल।